जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और साथ के साथ जो नए सत्र के एडमिशन होने हैं उसके बारे में क्या अपडेट है, आज की लेटेस्ट, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अपने प्रैक्टिकल को लेकर, यानी कि जो हमारे एग्जाम हुए थे जिन भी कोर्सेज के, जिन भी सेमेस्टर के, जिस भी ईयर के एग्जाम हुए हैं, तो वो बच्चे अपने प्रैक्टिकल को लेकर परेशान है कि उनके प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों, यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया था कि उनके प्रैक्टिकल जो है नहीं कराए जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल उनके नहीं कराए जाने हैं। उनका जो वाइवा है, वाइवा होगा वो भी ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन वाइवा नहीं होगा। अब जो आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो उनके मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, तो उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो आपके थ्योरी के मार्क्स होंगे उसके बिहाफ पे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट नाराज हैं, स्टूडेंट इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स यदि थ्योरी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे, उनकी परसेंटेज जो है वो सही नहीं बनेगी। तो इस चीज को लेकर स्टूडेंट कहीं ना कहीं नाराज है, परेशान है। तो इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालना होगा यूनिवर्सिटी को। या तो ये हो सकता है कि भाई जो उनके लास्ट सेमेस्टर में, यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर में उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स हों वो दिए जाएं, या कोई और सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि यदि थ्योरी के बिहाफ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने वाली है, उनकी परसेंटेज कम होने वाली है। अब आगे बात करते हैं जो नए सत्र के एडमिशन होने हैं उसके बारे में। तो जो नए सत्र के एडमिशन होने हैं तो उसके लिए आज से पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो पोर्टल ओपन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आज से यूजी के लिए होगा, यानी कि जो आपके यूजी के कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इन कोर्सेज के लिए पोर्टल ओपन होने वाला है। आज सिर्फ पोर्टल जो ओपन होगा यूजी कोर्सेज के लिए होगा। अब इसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास सीट है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कोर्सेज में, सभी कोर्सेज को मिलाकर। अब इसमें आपके जो एडमिशन के लिए आपको आवेदन करना है उसमें जो आपका शुल्क जाएगा वो जाएगा आपका 115 रुपए, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो है 115 रुपए। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है। सबसे पहला, इसमें बोर्ड की लिस्ट दी गई है, यानी कि 55 ऐसे वैलिड बोर्ड हैं जिनको सीसीएस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। यदि जो भी आपने जिस बोर्ड से अपने अपना 12th किया है, यदि वो बोर्ड सीसीएस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नहीं है तो वो आपका फिर एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 55 बोर्ड हैं जो वैलिड बोर्ड माने गए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से 55 बोर्ड जो यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, कि यूनिवर्सिटी कितनी है। तो साथियों, जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी में आपका 1117 यूनिवर्सिटी हैं जिनको वैलिड मानती है सीसीएस यूनिवर्सिटी, यानी कि यदि उसकी जो लिस्ट में है 1117 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आपने कहीं से भी अपना कोई भी कोर्स किया है, यदि उनमें से कोई यूनिवर्सिटी है तो आपको वैलिड माना जाएगा। यदि उस लिस्ट में से यूनिवर्सिटी नहीं है तो फिर आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, नहीं एलिजिबल माना जाएगा। तो साथियों, ये सब सारी चीजें जो लिस्ट है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और यदि आपको जानना है अपने बोर्ड के बारे में, किसी और बोर्ड से आपने किया है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस लिस्ट को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि आपका जो बोर्ड है वो वैलिड है या नहीं है। इससे आगे और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले जो अपना मोबाइल नंबर है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो याद रखिए अपना मोबाइल नंबर ही आप अपडेट कराएं, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप अपना ही मोबाइल नंबर अपडेट कराएं जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरा, अपनी मेल आईडी भी आप वही अपडेट कराएं जो आपकी वर्किंग में हो, जिसको आप यूज करते हो। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों बहुत जरूरी हैं, और कोशिश ये कीजिएगा जो आपका मोबाइल नंबर है वो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर हो, यानी कि जिसपे आप व्हाट्सएप चलाते हो वो मोबाइल नंबर हो। तो कोशिश आपको ये करनी है।
और अधिक जानकारी के लिए मैं आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी में के लिए, यानी कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो पूरी डिटेल वीडियो है कि एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, उसके लिए मैं आपको इसी चैनल पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आपको भी जानना है एडमिशन की प्रोसीजर के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बात करते हैं, इसी में आपको तीन कॉलेज चूज करने हैं, यानी कि तीन कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इन कॉलेजों में मेरिट के बेस पर एडमिशन कराए जाएंगे। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।